आज से करीबन 90 साल पहले 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के चावदार तालाब से 2 घूंट पानी पीकर ब्राह्मणवाद के हजारों वर्षों के कानून को तोड़ा था और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी। वहीं 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक हाथ में लेकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। दोनों इतिहास की बड़ी घटनाएं हैं और दोनों का असर वर्तमान राष्ट्र और समाज पर आज भी देखा जा सकता है। आइए गांधी के नमक सत्याग्रह और डॉक्टर अंबेडकर के पानी के लिए किए गए सत्याग्रह की एक तुलना करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आधुनिक भारत के वाम दक्षिण सेकुलर कम्युनल तमाम विचारधाराओं के इतिहासकारों ने नमक सत्याग्रह को विश्व इतिहास की घटना बना दिया और क्यों पानी के लिए अंबेडकर के सत्याग्रह को कोई महत्व नहीं दी। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों आंदोलन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक कामयाब रहे। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। उनका अनुकरण करते हुए हजारों दलितों ने पानी पिया। अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग अंग्रेज के नेतृत्व वाली समिति के द्वारा एक प्रस्तावना लाया गया कि वो सभी ऐसी जगह जिसका निर्माण और देखरेख सरकार करती है का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। इसी कानून को बाबा साहब ने लागू कराया। चावदार तालाब से पानी पीने की जरूरत का बदला स्वर्ण हिंदुओं ने दलितों से लिया। उनकी बस्तियों में आकर तांडव मचाया और लोगों को लाठियों से पीटा। बच्चे बूढ़े औरतों को पीटा, पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घरों में तोड़फोड़ की। हिंदुओं ने इल्जाम लगाया कि अछूतों ने तालाब से पानी पीकर तालाब को भी अछूत कर दिया। ब्राह्मणों के कहे अनुसार पूजा पाठ और गाय का दूध, घी, दही, मूत व गोबर से तालाब को फिर से शुद्ध किया गया। महाड़ सत्याग्रह पानी पीने के अधिकार के साथ साथ इंसान होने का अधिकार जताने के लिए भी किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पानी पीने का मयस नहीं होता? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने के लिए हम यहाँ आए हैं। महाड़ सत्याग्रहण के 3 साल बाद गांधी ने नमक सत्याग्रह किया। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुंदर की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वह अपने गंतव्य स्थान दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता ने नमक के उत्पाद और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार घोषित कर दिया था, यानी अब नमक का उत्पादन और बिक्री केवल सरकार ही कर सकती है। गांधी ने कानून तोड़ा और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। महाड़ सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह दोनों प्रतीकात्मक सत्याग्रह थे। पहले में हजारों वर्षों की स्वर्ण सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो अछूतों को वह भी हक देने को तैयार नहीं थे जो जानवरों को भी प्राप्त था। हम सभी जानते हैं कि किसी भी तालाब में कोई भी जानवर पानी पी सकता है, लेकिन अछूतों को यह हक प्राप्त नहीं था। दूसरी तरफ नमक सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई थी। नमक सत्याग्रह की जीत हुई महाड़ सत्याग्रह का पराजय, यानी इन सत्याग्रहों में गांधी की जीत हुई। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के पास आ गया और वो देश के नेता कहलाने लगे, जबकि उनके देश की कल्पना में अछूत कहाँ थे, ये सर्वविदित है। हालांकि बाद में गांधी ने अपने विचारों में कुछ संशोधन किए, लेकिन जीवन पर्यंत वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक बने रहे। महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की कम से कम तात्कालीन तौर पर हार ही हुई। अंबेडकर को अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा की जीत के लिए संविधान बनाने का इंतजार करना पड़ा, जिससे छुआछूत का निषेध किया गया। आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी और वामपंथी इतिहासकारों ने महाड़ सत्याग्रह को हाशिए पर रखा। नमक सत्याग्रह को न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास की महान घटना की तरह प्रस्तुत किया। नमक सत्याग्रह की अंतिम परिणती के तौर भारत की सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथों से निकल उच्च वर्गीय स्वर्णों के हाथ में चली गई। महाड़ सत्याग्रह की विजय तब मानी जाती जब उसकी अंतिम परिणाति ब्राह्मणवाद समानतावाद के अंत के रूप में होता।
भारत में जातियों का निषेध होता और जाति वर्चस्व का अंत होता। नमक सत्याग्रह से जिनको सत्ता मिली उन्होंने गांधी को महात्मा, बापू और राष्ट्रपति बना दिया। महार सत्याग्रह आज भी अपनी अंतिम विजय के प्रतीक्षा कर रहा है। जाति के विनाश के साथ ही महार सत्याग्रह अपनी अंतिम परिणति तक पहुँचेगा। तब गांधी नहीं अंबेडकर राष्ट्र निर्माता के रूप में पूरी तरह स्थापित होंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए।